नमस्कार, मी सचिन मोरे। आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूयाच्या काही सविस्तर बातम्या। इन्कलाब 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 भारत माता की वंदे। नेताजी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। देशातील वाढता भ्रष्टाचार रोखण्याकरिता कार्य करत असलेल्या अँटी करप्शन कमिटी अर्थात भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचा 26वा वर्धापन दिन सोहळा बोरवली येथील प्रबोधनकार ठाकरे सभागृहात 23 जून रोजी मोठ्या दिमाखात पार पडला। देशभरात 48 लाखांहून अधिक सभासद असलेल्या अँटी करप्शन कमिटीने मागील 26 वर्षांपासून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार उघड करून जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे। कमिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या वर्धापन दिन सोहळ्यास कमिटीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते मोहम्मद सय्यद अहमद, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अलोक द्विवेदी, महिला कार्याध्यक्षा मलिका फातिमा, राष्ट्रीय दक्षता अधिकारी उग्रनारायण झा, राष्ट्रीय निरीक्षक एम भिक्षापती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय मार्लेत्सा, राष्ट्रीय PRO उर्मिल शहा, राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकारी राजकुमार सरोज, राष्ट्रीय परिक्षेत्र अधिकारी जगदीश अकबरी, मोहम्मद मनसुरे, महाराष्ट्र अध्यक्ष मधुकर पतंगे, मुंबई अध्यक्ष दिलीप शहा आदी पदाधिकाऱ्यांसह देशभरातील कमिटीचे सभासद उपस्थित होते। अशा या वर्धापन दिन सोहळ्यास विशेष अतिथी म्हणून सदानंद बन बाबाजी उर्फ हनुमान बाबा हरिद्वार दिव्यांजली योगपीठचे स्वामी देवऋषीजी महाराज, आंतरराष्ट्रीय किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 दीपा अन्नप्पा राजमाने उपस्थित होते। यावेळी अँटी करप्शन कमिटीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय मार्लेत्सा यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्याहून निघालेल्या वाहतूक सुरक्षा, रस्ते सुरक्षाचा संदेश देणाऱ्या यात्रेचे झालेल्या आगमनाने संपूर्ण सभागृह दणाणून गेले। इन्कलाब 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 भारत माता की वंदे। नेताजी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अले 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 अले। नमस्कार, जनादेश वृत्तवाहिनी को माननीय सुरेश पाठक जी को ऐसे संपादक जो हमारे इंडिया के कोने कोने में कवरेज करते हैं, जनता तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, तो बड़ी खुशी है। कोई आमदार हो, कोई साइंस खासदार हो, कोई किसी पद पर है, हमारे पाठक साहब कभी डरे नहीं, धैर्य से काम लिए और पाठक साहब जैसे लोग पत्रकार वर्क करें, जनता को न्याय मिलेगा। मैं नमस्कार करता हूँ सुरेश पाटिल जी को। आपके माध्यम से मैं जनता तक मैसेज देना चाहता हूँ। एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार समिति एक ऐसी संस्था है जो आज एक पौधे से एक विशाल रूप ले लिया है, और इस रूप में कमेटी ने 714 जिलों में इंडिया कोने कोने में ऐसा हार्ड वर्क किया है और 40 लाख कार्यकर्ता कमेटी के पूरी इंडिया में
दौड़ रहे हैं, जिनका एक ही मकसद है भ्रष्टाचार को हटाना है, भ्रष्टाचार का खात्मा करने का है, जनता को न्याय दिलाना है, सांसद में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो उसको नहीं छोड़ने का। आज 26 वहाँ वर्धापन 23 से 24 को आज उद्धव ठाकरे हाल मुंबई में मनाया जा रहा है। सुबह 8 बजे एक पदयात्रा का कार्यक्रम किया गया। पदयात्रा में 200 लोग हमारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, केरला के, तमिलनाडु के, उड़ीसा के, अलग अलग प्रदेशों में भाग लिए और वह रैली चिकनागा तक आई। चिकनागा से दशर पुलिस ने सलूट मारा और बोला सर वर्षा का समय है, परमिशन आपको नहीं मिला है, आप यहीं से अगर विश्राम इसको रोकेंगे तो मैं बहुत खुश होगा। मैंने बोला हमारा काम ही है पुलिस का रक्षा करना, सेवा करना, मैं अभी कार में बैठता हूँ और मैं चला आया। जो दुख की बात है, याचिका नंबर 5092/24 21/6/24 को सीरियल नंबर 29 मांडी न्यायाधीश धैर्य मैडम हाई कोर्ट मुंबई सेकेंड जज हमारे चंडक साहब के समक्ष 1:25 पर बोर्ड पर लिया गया। माननीय न्यायाधीश धैर्य मैडम ने पिटीशन को सुना, सुनने के बाद में उन्होंने आयो डीसीपी मेरा भंदर पुलिस मेरा भंदर पुलिस आर स्पुंडर को कॉल किया कि क्लो कहाँ है। मुझे बड़ी खुशी है इस पुलिस फेस नहीं कर पाई, हाई कोर्ट में नहीं पहुंच पाई। हाई कोर्ट ने जो एक फौजदार गया था उसे कॉपी मंगा मुझे दो और कोर्ट ने उसको पेपर को पढ़ा, एजेंट जी के अनुसार क्लियर लिखा गया है प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। जो सीनियर ऑफिसर्स है कश्मीर के खिलाफ काम कर रहे हैं और अब नहीं देंगे तो कार्रवाई की जाएगी। और एक ऐसा एक आर्डर पास किया, लिबर्टी दिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र कोई भी जगह क्राइम होता है और अरविंद द्विवेदी अगर कंप्लेंट करते हैं एक्शन लिया जाए और ओपन कोर्ट खुला हुआ है, अरविंद द्विवेदी कभी भी आ सकते हैं अगर इनके साथ कोई ढिलवाई की पुलिस नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र पुलिस को किस तरह से बेइज्जत किया कोर्ट ने। महाराष्ट्र पुलिस ये चाहती है कि अरविंद द्विवेदी डिफ्यूम हो जाएँ, क्लोज हो जाएँ, डाउन हो जाएँ और करप्शन करती रहे। लेकिन रविंद्र द्विवेदी जो कमेटी है करप्शन के खिलाफ ये इसी कार्यक्रम करती रहेगी। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एंटी करप्शन कमेटी के 48 लाख मेंबर आज इंडिया के 714 जिलों में वर्क कर रहे हैं, सभी जिलों में अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, सभी प्रदेशों में अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, प्रभारी अपॉइंट किए गए हैं, सेंट्रल लेवल पर ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं जो करप्शन के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 48 लाख मेंबर ये फर्स्ट एनजीओ इंडिया की है, इतने वर्क काम कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं और समिति की तरफ से जनता से आह्वान किया जा रहा है कि आज कोरोना में किस तरह से जनता बेहाल थी, पलायन चालू था, जनता को सड़कें नहीं मिल रही थी, गाड़ियाँ कार नहीं मिली थी, ट्रेन नहीं मिली थी, पैदल के रास्ते जनता हमारी पैदल जा रही थी, कितने लोगों की मौतें हो गई, सरकारों ने उनको अनुदान नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया, कोई उनको हेल्प नहीं किया। और आज सरकारें बोल रही हैं कि मैंने कोरोना में हेल्प किया, कितने लोग मर गए, कितने लोग के घर बर्बाद हो गए हैं, क्या सेंटर ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया। आज उनके पास काउंट किया जाए तो उनकी गिनती भी नहीं है कितने उम्र गए थे। तो एडिक कमेटी इसके लिए काम कर रही है करप्शन के खिलाफ, जो क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार काम का हेल्प भी कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये कमेटी का जो न्यू है फाउंडेशन रखा गया इसीलिए। और आज जनता से अपील किया गया, जनता जो हमारे मेंबर आए हैं इंडिया कोने कोने से अपील किया गया है, आप जहाँ पर शिक्षा, पोस्ट, रेलवे, क्राइम, साथ साथ में हेल्थ,
का कोई भी करप्शन हो, करप्शन डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, पोस्ट दिया गया है, आप उनके डिपार्टमेंट जाएं और कंप्लेंट दें। CRPC 154, 155, CRPC 153, Section 3, 156, Section 3, साथ साथ में IPC और हमारे एविडेंस एक्ट जो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हैं। अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, पुलिस काम नहीं कर रही है, IPC 120B, IPC 201A का दुरुपयोग कर रही है, एक क्राइम दर्ज होता है, इसकी ड्यूटी है CRPC 154 के तहत एक स्टेट में लेना, उसको कन्वर्ट करना, IPC का एप्लीकेबल करना, स्टेट और इस पर पंचनामा करना, आयोग को अपॉइंट करना, गुनाह की जांच करने का, आरोपी अगर क्राइम किया है 41A का नोटिस देना, स्टेटमेंट लेना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, साथ साथ में चार्जशीट फाइल करने का। अगर वो क्राइम CRPC 155 का है कि वह ANC मैटर है, अदखल गुनाह पात्र है, ऐसा क्राइम है, पुलिस से विनती है उसको स्टडी करें, आयोग अपॉइंट करें, और वह पुलिस ने अगर CRPC 155 के तहत उसको दर्ज किया है तो कन्वर्ट करें, क्राइम बढ़ता है, CRPC 154 के तहत कार्रवाई करें। करप्शन एक्ट 9, 7, 11, 4, 14, 21 जो एक्ट है हमारे पास, जो 7 का एक्ट है, पुलिस डिमांड करती है, सरकार डिमांड करती है, कोई डिमांड करता है तो अप्लीकेबल होता है कि उसके खिलाफ केस दर्ज करो, इंक्वायरी करो, आज करती नहीं है। जैसे हमारे पास IPC में 384, 385 है, कोई क्राइम करता है पुलिस पब्लिक, पुलिस एफ आई आर दर्ज करती है, उसको स्टेशन में अरेस्ट करती है। उसी टाइप का करप्शन एक्ट 7 जो एक ऐसा एक्ट है कि पुलिस अगर स्टेशन करती है, पैसा मांगती है गवर्नमेंट के लोग पास, तो 7 अप्लीकेबल होता है। तो 7 को जो अप्लीकेबल किया जाए, स्टेट में लिया जाए, लेने के लिए जनता का सहयोग किया जाए, जनता को ये मैसेज दिया जाए करप्शन एक्ट 7 क्या है, 14 क्या है, 21 क्या है। आर्टिकल 21 जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल नियम है, जो हमारे इंडिया में जनता को न्याय के लिए राइट दिया दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 21 हम इंडिया के जनता फ्रीडम है, फाइटर हैं, तो 21 के तहत जो 90 के तहत में अधिकार दिए गए अप्लीकेबल किया जाए, जनता को न्याय मिले। साथ साथ में जो आमदार MLA MPs हैं उनको फंड दिया जा रहा है, वो फंड का मिसयूज किया जा रहा है, उस एरिया में विकास नहीं हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए। मैं कमेटी के हमारे अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी से बहुत पुराना हमारा प्रेम है और इस कमेटी से बहुत बहुत समय से हम जुड़ा हुआ हूँ। कमेटी का काम बहुत अच्छा है और हम इस कमेटी को, रविंद्र द्विवेदी जी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, निरोगी काया, और हर समय उनको खूब नए ऊर्जा से, एकदम नई ऊर्जा और खूब ऊर्जावान बन करके और ऐसे काम करते रहें भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ऐसे आशीर्वाद देता हूं मैं और अपने वाणी को विराम देता हूं। एंटी करप्शन कमिटीच्या वर्धापन दिन सोहळ्या कमिटीचे पदाधिकारी सभासद आणि त्याचबरोबर पत्रकारांचा सन्मानही करण्यात आला। यावेळी देशभरातून आलेल्या कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं कमिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र द्विवेदी यांचा जाहीर सत्कार करण्याकरिता एकच रीघ लागल्याची चित्र यावेळी पाहायला मिळाले। विशेष म्हणजे कमिटीचे देशभरात 48 लाखांहून अधिक सभासद असतानाही कमिटी कधीही निवडणूक मैदानात उतरली नाही व यापुढेही आम्ही कधीही निवडणूक लढवणार नाही, मात्र राजकारणातील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्याकरिता यापुढेही कमिटी कार्य करत राहील, असं यावेळी कमिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवींद्र द्विवेदी यांनी म्हटलं आहे। आपने अच्छा मुझे हमारा सुझाव पूछा, जानकारी मांगा। देखिए सुरेश पाटिल जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका आशीर्वाद प्यार प्रेम कमेटी को मिलता रहेगा। आज देखिए हमारे दिल्ली के जो आज तत्कालीन CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे के साथ में जनपद पर एक अनशन किया और घोषणा किया था कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा।
और पोलिटिकल पार्टी बना करके आज देखिए कितना करप्शन का केसेस हुआ है, आज जेल चले गए। देखिए हम मुझे भी मकोवा लगाया था, कहा था एक्यूज था, मैं सरेंडर किया, अरेस्ट हुआ, मेरे को रिलीफ में बेल से मैं बाहर आ गया, अभी फ्री हो गया। तो अब मैं ये विनती करता हूँ कोई सीएम को अरेस्ट करता आप रिजाइन दे दो, अगर पावर में हो आप सही हानेस्ट हो आप सत्ता में आ जाओगे, जनता आपको लाइक करेगी। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, दो बार सीएम बने, आरोप लगा। तो अगर हमारी कमेटी एंटी करप्शन कमेटी भी जो इंडिया की फर्स्ट एनजीओ है अगेंस्ट करप्शन क्राइम ये काम करे, अगर ये भी अगर पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा कि लोग संस्थाएँ बनाते हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये पॉलिटिकल गेम खेलते हैं। तो हमारा एक सोच है, हमारे कार्यकर्ताओं की एक सोच है, उनका एक व्यू है, ओपिनियन है कि हम कभी भी इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल वे पर नहीं जाएंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई पद नहीं लेंगे। आज जिसके लिए हमारी कमेटी ने कहीं भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, कहीं हम जाते नहीं। हाँ, चुनाव समय हम दौरा करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, ओपिनियन में हम रिपोर्ट भेजते हैं किस क्राइम हुआ, जिस हमने 7/6/24 को एक लेटर लिखा भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृहमंत्री को, एक्टिव गृहमंत्री, एक्टिव पीएम को, और सबको लिखा मैंने कि भाई हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ पे जा कर के घोषणा कर दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी किस तरह से गुंडों को उड़ाना है, सफाया करना है, ये मास्टर हैं। आप बताइए कोई प्राइम मिनिस्टर सीएम को ये राइट्स है क्या, किसका मर्डर करना है? हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर को गुंडों का मर्डर कराना आपको राइट दिया गया है, पुलिस को राइट्स है क्या, लोकतंत्र की हत्या करें, आप उसको अरेस्ट करो, किसे दर्ज करो, उसको कोर्ट में प्रोसीड करो, आप कट फाइल करो या जो भी क्राइम, आप दावा कर रहे हैं, आपने दावा किया था कि हम श्री राम को लाए हैं, श्री राम पूरे इंडिया के हैं, मुस्लिम के भी, हिंदू के भी, सब क्रिश्चनों के हैं। आप बताइए ये लाए श्री राम को लाए, श्री राम का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था रामनवमी में, रामनवमी के दिन आपने न तो स्थापना किया, कार्यक्रम किया, आपने हमारे शंकराचार्य गुरु जो हमारे देश के माने जाते हैं श्रेष्ठ हमारे गुरुओं में, शंकराचार्य का ओपिनियन आया, गुम्बद नहीं बना है, गुम्बद नहीं बना है, आपने उसका ओपिनियन कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी जी को ये समझ नहीं थी, एक प्रधानमंत्री हैं आप, इंडिया के लीडर हो आप, कितने साल रहे सीएम, आपने ओपिनियन लिया नहीं, आपने अपनी भाजपा के टेंशन में सोच में दोबारा पीएम बनूंगा ये करूंगा आपने कर दिया ओपनिंग। क्या आपने जितने वीआईपी बुलाया था इंडिया के, आपने किसी गरीब भाई को हमारे अयोध्या से बुलाया, बस्ती से बुलाया, गोरखपुर से बुलाया, गोड्डा से बुलाया, लखनऊ से बुलाया, आपने बुलाया फाइव हमारे फिल्म स्टार, हीरो, सांसद, MLA, MP, क्या हमारे पास कोई महापौर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, किस पत्रकार का आपने दिया अवार्ड, किस पत्रकार को आपने दिया? पूरे मंच पर आपके स्पीकर ने, आपके प्रवक्ता ने हमारे अवार्ड देने वाले को संबोधित किया कि इनको बस्ते दिया जाए, हमारे योगी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, साथ साथ में हमारे जो वहाँ पर हाजिर थे, हमारे प्रवक्ता ने कहने के बाद में स्टेज पर जैसे आया योगी जी को बस दो, उसने अवार्ड किया नहीं देंगे और वो उतर गया। बताइए प्रवक्ता के बोलने के बाद में योगी जी को बस दे दिया गया, हमारे जिस कार्यक्रम में उस दिन रामलला के बताइए प्राण प्रतिष्ठा थी, क्या इंक्वायरी दर्ज किया गया कि भाई सीएम का किस तरह से वो अनादर कर रहा है, बस नहीं दे रहा है? बताइए ऐसी वो आपने बना दिया संचालक, बना दिया आपने वहाँ पर, बस क्या हमारे पास अगर आप अयोध्या से किसी नागरिक को बुलाया होता उसके हिसाब ने दिया होता बस, हमारे अयोध्या में जीत जाते। आप अयोध्या में मकानों को तोड़ दिया, जमीन कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है, आपने किस तरह से उनको अनादर किया, हार गए आप। जिसको श्री राम को लाने बोल रहे हैं, श्री राम को कौन लाया है? आप लाए थे 500 साल पहले श्री राम के बारे में हो
मोदी जी आपका जन्म कब हुआ है? भाजपा का जन्म कब हुआ है? हमारा जन्म कब हुआ है? कांग्रेस का जन्म हुआ है? तो 500 साल से क्या मोदी जी आप बोलते हो ना कि नहीं हम तो भगवान को मानते, पूजा पाठ करते हैं, हमारे पास मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सभी अपने धर्म को मानते हैं, आप भी धर्म मानते हो, अच्छी बात है। लेकिन आप राम के बारे में आपने 400 सीटें बोला हमको मिलेंगी, क्या 400 सीटें कैसे मिलेंगी? आप पत्रकार बंधु हो कि आप ज्योतिष हो कि आप क्या करते हो? तो आप घोषणाएं कर 400 आपने सीटें घटा दिया, आप कैसे मालूम पड़े 400 सीटें मिलेंगे? मैंने आपको दावा था कि मैं कैप्चर कर लूँगा, हमारे इतने सांसद आएंगे, इसलिए हमारी कमेटी पॉलिटिकल गेम नहीं खेला, ये खाली धोखाधड़ी है। ये सत्ता के लिए 104 सांसदों का टिकट काट दिया हमने, जो लोग रात दिन काम करते रहे हमारी। देखिए इतनी बड़ी हमारी भाजपा की 3 बार CM जितना सीधिया, आप बताइए हमारी, बताइए कितनी बड़ी बिजाई महिला CM की 3 की, आपने अब तो CM नहीं बनाया, आपने ला करके अलग एक मोटिव करके आपने बना दिया उसको CM। आप बताइए शर्मा को क्या आता है, बना दिया, 5 सीटें चली गई आपकी। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भी पतन उसे हो जाए। कल के लोग बोलें एंटी करप्शन कमेटी भी भाई सोच थी, बड़े बड़े प्रोग्राम कार्यक्रम करेंगे, रैली निकालेंगे, अब बाद में हम बने केजरीवाल, हम नहीं बनेंगे। हमारे की सोच है तो एंटी करप्शन कमेटी ये तन मन धन से जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और ये साबित कर देंगे कि वार्ड में पाली संस्था है करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और कार्यकर्ता सुरेश पाटिल जी के सहयोग से ये काम करते रहेंगे, ये हमारी आपसे विनती है। कैमरामन इकबाल शेख सह पल्लवी केदार, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।